हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है हम लोग अपना मैट्रिक्स सीरीज को कंटिन्यू करेंगे पिछले क्लास तक हम लोग देखे थे कि इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन के इज आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और कैसे ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स था तो ए प्लस बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा ठीक है सो so, आज हम लोग इसके आगे जो भी सम्स रहेगा वो इस वीडियो में कवर करेंगे सो so, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए क्वेश्चन क्या है इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स दैन सो दैट ए प्लस बी प्लस बी ए प्लस बी ए इज़ ए सीमेट्रिक एंड ए बी माइनस बी ए इज़ स्क्यू सीमेट्रिक ओके सो इसको कैसे करेंगे देखिए हमको क्या कंडीशन दिया है कि ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि अगर ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमारा ए ही आएगा ठीक है और बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमारा बी आएगा अभी हमको शो करना है कि ए बी प्लस बी ए सीमेट्रिक मैट्रिक्स होगा सो कैसे करेंगे देखिए यहाँ लिखेंगे इसका ट्रांसपोज निकालेंगे अगर इसका ट्रांसपोज वही आ जाता है सो हमारा ये प्रूव हो जाएगा कि वही हमारा ए भी हमारा सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देखिए इसका ट्रांसपोज क्या होगा ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज ठीक है अभी देखिए ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज ठीक है और बी ए का ट्रांसपोज क्या होगा ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज ठीक है हम लोग देखे थे अभी देखिए बी का ट्रांसपोज क्या है बी और ए का ट्रांसपोज का ए ही आएगा क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ है और ए का ट्रांसपोज ए आएगा बी का ट्रांसपोज बी आएगा सो so, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए बी प्लस बी ए सो देखिए जो हमारा जिस मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज निकाल रहे थे हमारा वही मैट्रिक्स फिर से आ गया सो so, ये प्रूव होता है कि ए बी प्लस बी ए सीमेट्रिक मैट्रिक्स है ठीक है उसी प्रकार हम लोग प्रूव करेंगे इसको ए बी माइनस बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है अगर हम लोग ये प्रूव कर पाए कि कोई भी मैट्रिक्स का अगर कोई भी मैट्रिक्स अगर ट्रांसपोज निकालते हैं नेगेटिव ऑफ ए आ जाता है उसका तो ये हमारा स्क्यू सेमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन है सो हम लोग इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं सो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं अगर निकालते है वक्त हमको ये मिल जाए कि माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए सो हमको प्रूव हो जाएगा कि ये स्क्यू सेमेट्रिक मैट्रिक्स है देखिए इसका ट्रांसपोज क्या होगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज ठीक है अभी देखिए ए का ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज होगा बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज माइनस यहाँ होगा यहाँ पे होगा बी का ट्रांसपोज ठीक है बी का ट्रांसपोज बी ए का ट्रांसपोज ए माइनस ए का ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज बी अभी यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा ए बी माइनस बी ए अभी देखिए जिस मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज निकाले उस मैट्रिक्स का निगेटिव ऑफ सेम मैट्रिक्स आया इसका मतलब क्या हुआ कि ये मैट्रिक्स हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ठीक है तो इस सम्स को ऐसे करेंगे ध्यान में रखना है जो कंडीशन दिया है ये कंडीशन दोनों में ही यूज़ होगा तो चलिए नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस मैट्रिक्स मैट्रिसेस देन शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक इफ़ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर कम्यूटेटिव देखिए इसमें बोल रहा है कि ए बी तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ठीक है और ए बी सिमेट्रिक्स होगा कब जब ए और बी कम्यूटेटिव होगा कम्यूटेटिव का मतलब समझ लीजिए देखिए कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि ए और बी का अगर प्रोडक्ट करते हैं तो उसका प्रोडक्ट बी ए आएगा ये कंडीशन होता है कम्यूटेटिव का ठीक है सो so, यहाँ पे हमको दो बार इसको केस वन एक बार गिवन कंडीशन से हमको प्रूव करना रहेगा और एक बार उल्टा प्रूव करना रहेगा ठीक है देखिए हम लोग को दिया क्या है दिया है कि ए एंड बी आर सिमेट सिमेट्रिक सो so, क्या हो जाएगा ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए एंड बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ए का ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज बी ठीक है इसको इक्वेशन वन मान लीजिए अभी सपोज कीजिए सपोज दैट ए कम्युटेटिव का ए बी इज इक्वल टू बी ए दिया हुआ है ए बी हमारा टू प्रूव ए बी इज सिमेट्रिक वी हैव हमको क्या करना पड़ेगा देखिए ए बी का ट्रांसपोज निकालेंगे ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज क्या है बी ए का ट्रांसपोज क्या है ए सो ए कम्यूटेटिव है तो बी ए के जगह पे क्या लिख सकते हैं बी ए के जगह पे ए बी लिख सकते हैं ए बी तो ये प्रूव हो गया ना ए बी हमारा ट्रांसपोस ए बी आया सो so, अगर हमारा ए बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ए एंड बी कम्यूटेटिव है सो so, हमारा ए बी जो मैट्रिक्स बनेगा वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा अभी इसका उल्टा प्रूफ करते हैं उल्टा कैसे उल्टा कहने का मतलब क्या है कि अभी हमको ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ है ठीक है ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ है अभी हमको प्रूफ करना है कि ये कम्यूटेटिव होगा मतलब ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा ये प्रूफ करना है टू बी प्रूफ इफ़ एंड ओनली का मतलब यही होता है ठीक है कि एक बार कंडीशन दिया रहेगा उससे प्रूफ करेंगे एक बार जो दिया है उससे प्रूफ करेंगे देखिए ए बी सीमेट्रिक मैट्रिक्स है इसके मतलब क्या हुआ कि ए बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमारा सॉरी ए बी का ट्रांसपोज निकालेंगे सो ए बी ही आएगा ठीक है क्योंकि वो सीमेट्रिक मैट्रिक्स है अभी देखिए ट्रांसपोज को क्या लिखेंगे बी का ट्रांसपोज इसको ए का ट्रांसपोज ठीक है और बी बी का ट्रांसपोज बी और ए का ट्रांसपोज ए आ गया ना सो ए भी कॉम्पिटेटिव हुआ इधर ट्रांसपोज भी हो गया सो so, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए बी एनी मैट्रिक्स ए कोई एक मैट्रिक्स है टू प्रूव दैट सॉरी ये यहाँ पे ऐसे है ट्रांसपोज यहाँ पे ए ऐसे सो ए नहीं रहेगा टू प्रूव दैट ए ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए आर बोथ सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो हमको ये प्रूव करना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा चलिए प्रूव करते हैं एक मैट्रिक्स दिया हुआ है सो ए एक ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालेंगे क्या आएगा यहाँ आएगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और फिर ए का ट्रांसपोज ठीक है ए ट्रांसपोज का क्या होता है ए और ए का ट्रांसपोज ट्रांसपोज देखिए जो हमारा जिस मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज निकाल रहे थे वही मैट्रिक्स आ गया मतलब कि ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ठीक है अभी ए ट्रांसपोज का ए का ट्रांसपोज क्या आएगा ए ट्रांसपोज उसके बाद आएगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आएगा ए ट्रांसपोज ए जिस जिसका हम निकाल रहे थे वही मैट्रिक्स आ गया तो ये अगेन प्रूव होता है कि ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सो so, ये कितना इजी था चलिए नेक्स्ट देखते हैं सो दैट द मैट्रिक्स सॉरी ए ऐसे नहीं रहेगा ये रहेगा बी का ट्रांसपोज ए बी इस सिमेट्रिक्स और इस क्यू सेमेट्रिक्स एज ए इज सिमेट्रिक और इस सिमेट्रिक बोल रहा है कि ए अगर सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है तो B ट्रांसपोज ए भी हमारा सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होगा और ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सो B ट्रांसपोज ए भी हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा सो ये हमको प्रूव करना है ठीक है कैसे करेंगे देखिए केस वन एक एक लेके प्रूव करेंगे एक केस वन था ए टू था तो केस वन में क्या है ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ठीक है तो क्या होगा ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमारा ए ही आएगा ये है ना क्योंकि ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसको हम लोग माने हैं अभी देखिए अभी हमको प्रूफ करना है कि बी का ट्रांसपोज ए बी भी हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा सो so, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं इसका ट्रांसपोज लिखेंगे तो क्या लिखेंगे पीछे से लिखने स्टार्ट करेंगे बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज फिर बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ठीक है अभी देखिए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज A क्योंकि है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज का B देखिए जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाले वही मैट्रिक्स आएगा तो अगर ए हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सो बी हमारा बी ट्रांसपोज ए बी भी हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा ठीक है केस टू केस टू क्या है लेट ए इज इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स सो क्या लिखेंगे इस कंडीशन से हमारा होगा ए का अगर ट्रांसपोज निकालेंगे सो नेगेटिव ऑफ ए आएगा ठीक है नाउ वी हैव बी का ट्रांसपोज और ए बी का ट्रांसपोज को फाइंड आउट करेंगे अगर इसका भी नेगेटिव आता है सो so हमारा ये हमारा इसको मैट्रिक्स हो जाएगा इसको लिखेंगे बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज देखिए इसका क्या होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का हो जाएगा माइनस ऑफ ए ठीक है और उसके बाद बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा बी सो so, इसको क्या लिख सकते हैं माइनस ऑफ बी ट्रांसपोज ए बी देखिए जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाले वही मैट्रिक्स निगेटिव में आया है सो so, हमारा ये क्या हो गया क्या हो गया इसक्यू से मेट्रिक मैट्रिक्स इसक्यू सेमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया सो so, इस तरह इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे सो so, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स। बोल रहा है कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को यूनिकली उसको हम लोग शो कर सकते हैं किसके फॉर्म में एक सीमेट्रिक uh, रहेगा एक इन इनसेमेट्रिक स्क्यू सीमेट्रिक रहेगा देखिए जैसे ए अगर कोई मैट्रिक्स है तो इसको आर प्लस एस के फॉर्म में लिखेंगे यहां पे आर क्या होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और एस क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा इसको प्रूफ करना है ठीक है मतलब प्रूफ करना है ऐसे ही सो so, चलिए स्टार्ट करते हैं सो so, हमको पहले इसमें कुछ दिया नहीं है तो मानना पड़ेगा लेट ए बी एनी मैट्रिक्स सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कंडीशन है स्क्वायर मैट्रिक्स ए कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है सो so, ए को हम लोग कैसे लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए दोनों को जोड़ेंगे फिर वापस ए आ जाएगा अभी इस हाफ ऑफ ए को हाफ ऑफ ए में प्लस करेंगे हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस एक बार प्लस माइनस करेंगे ए ट्रांसपोज देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक बार जोड़े हैं और एक बार घटाए हैं ए ट्रांसपोज को आधा ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज ठीक है अभी इस दोनों को पास लाएंगे तो हाफ कॉमन लेंगे ए ट्रांसपोज ऐसे कर सकते हैं इसमें आ जाएगा हाफ कॉमन लेंगे तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज ठीक है एक्वेशन वन हो गया इसको क्या करो इसको बोलो पी इसको बोलो क्यू मतलब पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज और क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए सॉरी A माइनस ए ट्रांसपोज ए माइनस ए ट्रांसपोज ए है अभी देखिए पी का ट्रांसपोज निकालिए पी का ट्रांसपोज निकालिए क्या होगा पी क्या था हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज इसका हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे क्या आएगा सो so, देखिए हाफ बाहर आ जाएगा जो भी था उसके बाद आएगा इधर पे ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का B ट्रांसपोज आएगा सो इसको क्या लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज प्लस ए देखिए जो था वही आ गया सो पी हमारा क्या हो गया सो इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज So, क्या लिख सकते हैं हेंस इट इज इसलिए p इज अज इक्वल टू P आ गया p इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स ठीक है P हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया अभी उसी तरह हम लोग Q को निकालेंगे ठीक है देखिए Q का ट्रांसपोज निकालिए Q क्या था हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज निकालिए सो क्या आएगा हाफ बाहर आ जाएगा इसका आ जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इधर आ जाएगा हाफ ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए इसमें से हाफ कॉमन ले लीजिए माइनस माइनस ए माइनस ए ट्रांसपोज सो यही तो हमारा क्यू है माइनस क्यू मीन्स Q का ट्रांसपोज माइनस Q आया सो so, इसलिए Q इज इस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो इस तरह से हम लोग हम लोग देख पाए कि जो हमारा A था P प्लस क्यू सो P हमारा हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और क्यू हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो ए हमारा क्या हो गया ए हमारा सम ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया इस तरह से हम लोग इसको प्रूफ किए अभी यूनिकनेस प्रूफ करना है वो कैसे करेंगे देखिए सपोज मान लेते हैं कि ए को हम लोग किसी और फॉर्म में भी लिख सकते हैं सपोज आर और एस के फॉर्म में लिख रहे हैं जहाँ पे आर हमारा सिमेट्रिक है आर हमारा सिमेट्रिक है और एस हमारा इसक्यू सेमेट्रिक्स मैट्रिक्स है ठीक है इसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है हम लोग इसको मान रहे हैं कि ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसी फॉर्म में नहीं कर सकते अगर हम लोग ये प्रूव कर दे आर सिमेट्रिक है और इसको सिमेट्रिक तो हो जाएगा सो so देखिए आर सिमेट्रिक है इसका कहने का मतलब क्या आर का ट्रांसपोज निकालेंगे तो आर ही आएगा एस का ट्रांसपोज निकालेंगे तो माइनस एस आएगा ठीक है अभी देखिए ए का ट्रांसपोज निकालिए क्या होगा आर प्लस एस का ट्रांसपोज इसका क्या होता है आर का ट्रांसपोज हो जाएगा प्लस एस का ट्रांसपोज हो जाएगा एस का ट्रांसपोज हो जाएगा इसको क्या लिखेंगे आर ट्रांसपोज का आर माइनस एस ट्रांसपोज का माइनस एस इक्वेशन इक्वेशन वन मान लेते हैं ठीक है इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं अभी देखिए और ए का था ये हमारा था आर प्लस एस इक्वेशन दो मान लेते हैं ठीक है ये हमारा दिया हुआ था अभी दोनों को जोड़िए ए प्लस ए ट्रांसपोज कीजिए क्या आएगा ए प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे तो आएगा आर प्लस एस प्लस आर माइनस एस तो क्या आ जाएगा टू आर आ जाएगा सो so आर का वैल्यू क्या हो जाएगा आर का वैल्यू हो जाएगा हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज ए आ जा रहा है so सो यही तो हमारा पी था ना जो हम लोग पिछले सम्स में किए थे देखिए पी का वैल्यू क्या था पी का वैल्यू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज ही था और वही हमारा आया भी है क्यू का भी आर का वैल्यू मतलब आर और आर और पी दोनों आपस में बराबर है सिमिलरली उसको माइनस कीजिए सिमिलरली उसको माइनस करेंगे तो देखिए क्या आता है ए माइनस ए ट्रांसपोज ए का क्या था आर प्लस एस माइनस आर प्लस एस ठीक है अभी देखिए आर आर कैंसिल तो इधर क्या बचेगा टू एस तो एस इज इक्वल टू क्या होगा हाफ ऑफ ए माइनस ए टी और ये यही तो वैल्यू क्यू था पीछे एक बार स्लाइड में देख लीजिए क्यू का वैल्यू क्या था हाफ ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज सो एस so, बराबर क्यू हो गया मतलब जो ए था हमारा आर प्लस एस इसको हम लोग लिख सकते हैं पी प्लस क्यू जो और यहाँ पे पी इज इक्वल टू हाफ़ ऑफ़ ए प्लस ए ट्रांसपोज है और क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज है सो so, इस प्रकार हम लोग देखें कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को किसी भी एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स को यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं सिमेट्रिक और स्क्यूसीमेट्रिक मैट्रिक्स में सो so, इस प्रकार हम लोग करेंगे सो so, आज के लिए इतना ही इसके आगे सम्स जो भी लेसन है वो दूसरे वीडियो में करेंगे जो भी बच्चे इस तरह मैट्रिक्स और मैथमेटिक्स से जुड़े सम्स टॉपिक को सीखना चाहते हैं हमारे चैनल से जुड़े लाइक करें सब्सक्राइब करें दूसरों को भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शिक्षा पहुँच सके सो चलिए आज के लिए इतना ही बाय बाय